इम्पोर्टेंट नोट्स। क्या करो, जुकाम लग रही है, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं। तो कोई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको प्रूफ करके बताएंगे कि हर जीव की एक स्पेशल एबिलिटी होती है। आपको ये बातें समझ में आएगी, मैं आपको करके बताता हूँ। तो देखो आपको करना क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास सबके पेंसिल है ना, पेंसिल है ना, तो आपको है ना, देखो सबसे पहले तो चीटिंग नहीं करनी, एक दूसरे की नजर भी नहीं हटानी है। आपका ध्यान है ना आपकी कॉपी में होना चाहिए, बस आपके पेपर में होना चाहिए मतलब, ठीक है। और आपको है ना करना क्या है, पकड़ो आपका पेपर, आपका पेपर भी पकड़ो, आपका भी पकड़ो और आपका भी पकड़ लो, ठीक है। तो आपको एक दूसरे की कॉपी में बिल्कुल नहीं देखना, अगर आपने एक दूसरे की कॉपी में देखा तो मैं आपको बाहर कर दूंगा। आई बात समझ, करना ये है आपको कि ना आपको इस पेपर में ना कैसे भी बना सकते हो, जैसा भी आपका मन करे, एक दूसरे की कॉपी में नहीं देखना आपको, बस आपके पेपर में ध्यान होना चाहिए, ठीक है। साइड में कहीं नहीं देखना आपको, है ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, दब तो जा। तो आपको बनाना है कि ना घर बनाना है, एक घर बनाना है, कैसा भी बना सकते हो आप, जैसा चाहो वैसा भी बना सकते हो, और है ना उसके पेड़ बनाने, मतलब जो भी आप बना सकते हो, ठीक है। आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, 10 मिनट, 10 मिनट में ही काम करना है, है ना। और आपकी नज़र है ना पेपर से उठनी नहीं चाहिए, आप थोड़े से उधर शिफ्ट हो जाओ, थोड़े से, ज़्यादा दूर नहीं, हाँ है ना। आपको है ना आपके पेपर से नज़र नहीं उठनी चाहिए। आपका टाइम शुरू होता है अब, 10 मिनट, आपके पेपर से आपकी नजर नहीं उठनी चाहिए। मैं यही खड़ा हूं, बाहर निकाल दूंगा। आपको पता है हम सब जीवों की कोई स्पेशल एबिलिटी होती है, क्या हम एक दूसरे से अलग है बिल्कुल? कहां अलग हो, सबके कान है, सबके नाक है, सबके सेड आता है तुमके। हाँ कहाँ अलग हो, एक ही घर बनाना है कि तीन चार? यार एक ही बनाना है, एक ही बनाना है। समर की चड्डी दिखाई दे रही है पीछे से। समर आपकी चड्डी दिखाई दे रही है पीछे से, रिजर्व। हाँ नजर मत उठा नहीं पेपर से ना, नजर नहीं उठानी आपको, आपका काम करना है। आपका टाइम खत्म हो गया है, लास्ट 30 सेकंड है आपके पास। हाँ क्या नहीं चाहिए, नहीं आपके पास सेकंड ही है, टाइम तो हो गया खत्म, सेकंड भी तो टाइम ही है। देखो देखो गलती, वहां पर क्यों देखे, वहां पर क्यों देखा आपने, कितने यार, यहाँ पर देखा ना आपने, देखो? नहीं देखा, हाँ ए झूठला, अरे सच्ची में, ठीक है मारवाड़ी, मारवाड़ी नहीं, मारवाड़ी नहीं बोलेंगे, मारवाड़ी अपनी लैंग्वेज है, हो गया ठीक है। तो आपका टाइम खत्म हो चुका है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपके जो पेपर है ना उस पर अपना नाम लिखना और आपको बाहर निकल जाना है। हाँ कहीं भी लिख दो अपना नाम लिखना। ओ बाबू जी नाम, टाइम खत्म, अभी भी लिख रहा है। इंग्लिश में लिखिए, अरे इंग्लिश हिंदी जैसा आप चाहो वैसा लिखो, कोई बात नहीं, तू खुद भी तो बकवास है, वो नहीं दिख रहा तेरे को। हो गया हर्ष, अच्छा समर, बस जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ओ नाम हो, इतना बड़ा बड़ा कर रहा है कमीने। नहीं दिखानी, नहीं दिखानी, आप बाहर जाओ बाहर जाओ, के वीडियो बन रही है, वीडियो देखो। राजवीर पूरा पूरा लिख देता हो गया। निखिल, तो फ्रेंड्स सबके जो डायग्राम है बन के तैयार हो चुके हैं, और बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको दिखाता हूँ उनके डायग्राम। ये निखिल का है, जो पीछे बैठा था ना उसका है निखिल का, ये देखो ये इसने ये वाला बनाया है, ठीक है देख लिया। अब नेक्स्ट आता है
राजवीर जो यहाँ पर बैठा था ना बंदा, उसका ये वाला, ये बच्चा ठीक है, जो सबसे बड़ा था शायद इसमें से। और ये है समर का जो यहाँ पर आगे बैठा था, ठीक है देख लिया अपना। और ये है लास्ट का हर्ष का, हर्ष का देख लिया। तो इस कमरे में चार बच्चे बैठे थे और चारों के जो डायग्राम है ना वो बिल्कुल अलग है। अगर इस कमरे में ना 40,000 आदमी भी बैठे होते ना तो भी किसी का भी डायग्राम है ना सेम नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि हर एक जीव की, हर एक इंसान की एबिलिटी अलग अलग है, उनकी सोचने समझने की क्षमता सबकी अलग अलग है, वो उनकी क्रिएटिविटी है ना वो सबकी अलग है, किसी की भी सेम नहीं है। तो बस इस वीडियो के माध्यम से बस हम आपको यही बताना चाहते थे कि यार सबको बराबर करने की कोशिश मत करो ना। मतलब हम बच्चों पर जोर जबरदस्ती करते हैं, माता पिता होकर या टीचर होकर जोर जबरदस्ती करते हैं कि आपको ऐसा करना है, उसके जैसा बनना है, उसके जैसे नहीं 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 बनना। हर एक जीव की स्पेशल एबिलिटी है यार, वो जैसा है वो ठीक है। सबके डायग्राम आप देख सकते हो, सबकी सोच ये बताता है कि सबकी सोच अलग अलग है, सबकी खुद की क्रिएटिविटी, खुद अपने अनुसार चीजें करना चाहते हैं वो, सबके अलग अलग है। तो जो ये छोटी वाली उंगली है ना इसको आप खींच के ना इस बड़ी वाली उंगली के बराबर मत करो, क्योंकि जब कान में गंदगी होती है ना तो ये छोटी वाली उंगली काम में आती है, ये बड़ी वाली नहीं। समझ में आया ना? तो सब जगह चीजें ना अपनी जगह सही है, तो आप उनको बिना किसी बकवास के बराबर करने की कोशिश मत करो। सब बच्चे सब जीव अपनी जगह अच्छे हैं, किसी को भी मतलब ऐसे कमजोर ना समझो, किसी को भी ऊंचा मत समझो, सब में कुछ ना कुछ स्पेशली एबिलिटी पाई जाती है। तो उम्मीद है आपके बड़े से माते में ये छोटी सी बात घुसी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है? ओके बाय।